Hey guys and welcome back to your channel Genius Guru. So दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे paid for articles के alternative के बारे में जो कि बहुत ज्यादा useful है. वो website paid for articles से भी कई गुना ज्यादा Google की सर्च में रैंक कर रही है, जिससे हमारे articles भी Google में रैंक करेंगे और अगर articles रैंक करेंगे तो paid views भी ज्यादा मिलेंगे और paid views ज्यादा मिलेंगे तो guys revenue भी हमारी boost होगी. So without wasting any more time guys वीडियो को करते हैं start. उससे पहले दोस्तों 2000 दूर नहीं, सब्सक्राइब करो. So मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइस, वो वेबसाइट कुछ इस तरीके देखा ना, सेम टू सेम पेड फॉर आर्टिकल्स की कॉपी है. जो लोग इसके बारे में जानते हैं वो बहुत अच्छी बात है. अगर जो लोग इस पर वर्क नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहां पे भी वर्क करना स्टार्ट करें, बिकॉज अभी मैं जो आगे दिखाने वाला हूं वो सच में बहुत ज्यादा यूजफुल है. उसे देखकर आप अपना वर्क इस पे स्टार्ट करना शुरू कर दोगे. तो देखिए सबसे पहले हम इसके रिव्यू के बारे में जान लेते हैं, ये वेबसाइट है कहां की. देखिए ये वेबसाइट अपने इंडिया की है एंड इसकी जो सर्च रैंक है वो गूगल में बहुत ज्यादा है एंड बैक लिंक्स भी इसके बहुत ज्यादा है, जिससे बहुत अच्छे से हमें रैंक मिलेगा हमारे आर्टिकल को बूस्ट करने. तो गाइस एज यू कैन सी हम आ गए हैं स्कैम एडवाइजर एक वेबसाइट पर, जो कि सभी वेबसाइट को डीपली एनालाइज करके उसका सब कुछ गाइस आपके सामने ओपन करके रख देगी, जिससे आपको अच्छी से पता चल जाएगा ये वेबसाइट कैसी है. तो हम यहाँ पे देखते हैं गाइस, ये देखिए ट्रस्ट स्कोर 100 में से 100. सो ये तो यहाँ पे कंफर्म हुआ कि इस वेबसाइट पे काम करने से किसी भी तरीके का कोई भी लॉस नहीं है. सो नीचे और चलते हैं गाइस, पूरा हम यहाँ पे फटाफट से देख लेते हैं. पॉजिटिव हाईलाइट, देखिए दिस वेबसाइट इज रिसीविंग ए लॉट ऑफ ट्रैफिक अकॉर्डिंग टू एलेक्सा. सो बहुत ज्यादा ट्रैफिक है गाइस इस वेबसाइट पे. एंड देन मैं बात कर रहा था ये वेबसाइट है कहाँ की, तो मैं यहाँ पे आपको हाईली रिकमेंड कर दूं गाइस. ये देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ये वेबसाइट इंडिया की, यहाँ पे हम इस पे वर्क कर सकते हैं. सो सिंपल सा मेथड है, सेम टू सेम पेड फॉर आर्टिकल्स के साइन अप किया था उसी तरीके का. बस आपको कुछ यूजर नेम चूज करना है एंड देन अपनी ईमेल आईडी से रजिस्टर हो जाना. उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन ईमेल लिंक सेंड होगा कुछ इस तरीके का, आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर देना, देन आप का अकाउंट वो है बन के एक्टिवेट हो जाएगा. सो मैंने ऑलरेडी एक्टिवेट कर रखा है गाइस, तो मैंने इसे अभी साइन अप किया है. सो आप इसका डैशबोर्ड देख पा रहे होंगे, सेम टू सेम पेड फॉर आर्टिकल्स का ही है. सो गाइस अब बात आती है कि आपको इतने सारे आर्टिकल्स कहां से लाए जाएंगे, जिससे आप पेड फॉर आर्टिकल्स पे एंड अगर आप चाहो तो अपने ब्लॉग पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मेरा ब्लॉग है एंड मैं यहां पे भी आर्टिकल्स पब्लिश करता हूं, जिससे गाइस अगर आप अपने ब्लॉग पे भी ध्यान दोगे थोड़ा सा इससे हटके, तो गाइस ब्लॉग से हमें अच्छी खासी अर्निंग इनके फ्यूचर में हो सकते हैं. बिकॉज ये लोग क्या करते हैं, पेड फॉर आर्टिकल्स हो गया या मिक्स रीड्स या जितने भी कंटेंट राइटिंग की वेबसाइट्स हैं, वो लोग गूगल से अप्रूवल लेके आपकी मेहनत का उन्हें अपना एक प्लेटफॉर्म बना के रेडी कर दिया एंड वो लोग क्या करते हैं, गूगल के एडसेंस का अप्रूवल लेके आपके आर्टिकल्स को गूगल में रैंक करवा के एंड गूगल का जो रेवेन्यू बनता है उसमें से थोड़ा बहुत आपको देते हैं. सो क्यों ना आप गूगल से डायरेक्ट लेने की कोशिश करें. तो उसका मेथड यही रहेगा, आप अपना जो है खुद का ब्लॉग स्टार्ट कीजिए एंड वहाँ पे भी थोड़े थोड़े आर्टिकल्स डेली अपडेट कीजिए. आप हिंदी में आर्टिकल्स बनाते हो, इंग्लिश में बनाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, बस आर्टिकल यूनिक एंड इन्फॉर्मेशनल होना चाहिए. अब उसे गाइस कुछ तरीके से यूनिक बनाना पड़ता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है. तो जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो आप लोगों ने सिंपल से लॉगिन ऐसे करना है. देखिए सबसे पहले तो आप इस चीज को समझ लीजिए, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि आप लोग स्किप कर देते हो, फिर कॉमेंट में वो चीज बताना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. देखिए आप लोगों ने यहाँ पे टेम्प मेल यूज करना है. प्रीवियसली वीडियोज में भी मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ, बट फिर भी कुछ भाई हैं जिनका ये बार बार इश्यू आ रहा है, मुझे मैसेज कर रहे हैं, मेल्स कर रहे हैं. तो इस वजह से दोस्तों मैं बार बार आपको यही रिकमेंड करता हूं, आप लोगों ने एक ही टेम्प मेल सर्वर यूज नहीं करना है, आप लोगों ने 2-4 वेबसाइट्स यूज करनी है. किसी ना किसी वेबसाइट से आप लोगों ने यहाँ पे रजिस्टर हो जाना है. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक रेंडम सा ईमेल आईडी चूज कर लिया है, देन मैं रजिस्टर न्यू अकाउंट पे क्लिक करूंगा एंड देन यहाँ पे गाइस वही ईमेल आईडी एज इट इज पेस्ट कर दूंगा और यहां पे एक रैंडम सा आप पासवर्ड चूज कर लोगे एंड सेम पासवर्ड आप लोगों ने यहां पे रिपीट पासवर्ड में डाल देना है. देन आपको आई एग्री पे क्लिक करके सिंपल से आपको रजिस्टर्ड हो लेना है. जैसे ही आप रजिस्टर्ड पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप लोगों ने एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगा आपकी टेम्प मेल इनबॉक्स में, ठीक है. तो यहाँ पे अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप रिफ्रेश कर लोगे एंड देन यहाँ पे आपको तुरंत एक लिंक मिल जाएगा, जिससे आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा.
और बाकी का पूरा प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। आप अब इसमें क्या करोगे, किसी भी रेंडम से टाइटल से पूरा आर्टिकल जनरेट कर लोगे और जितने भी टेम्प मिल आप यूज करोगे सबके आर्टिकल्स अलग अलग तरीके से कर सकते हो। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको यहाँ पे 12 क्रेडिट्स मिलेंगे और एक आर्टिकल जनरेट होने में ऑलमोस्ट आपके 5 से 6 से दोस्तों आप एक अकाउंट से ओनली 2 आर्टिकल्स पूरे राइट कर सकते हो, वो भी 1000+ वर्ड्स के। ठीक है, अब देखिए ये वेबसाइट क्या करती है, आपको आर्टिकल्स राइट करके दे तो देगी बट आप लोगों ने उसे अच्छे से अपने तरीके से एडिट भी करना है। सपोज दैट आपकी निस ये है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन में, ओनली ये डेमो के लिए मान लेता हूँ आपकी निस ये है और अगर ये टाइटल हमें मिल गया है और इससे हम आर्टिकल जनरेट करेंगे। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसे ही आप नीचे आओगे स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पे आपको बहुत सारे गूगल सजेस्ट कर देगा कीवर्ड, तो आपको ये कीवर्ड भी अपने उस आर्टिकल्स में कुछ इस तरीके से पैराग्राफ को तोड़ मरोड़ के बनाना है जिससे ये कीवर्ड जो है वो भी उसमें फिट हो जाए। ठीक है, तो उससे होगा क्या कि गूगल के सर्च में इन कीवर्ड्स का आंसर आपकी आर्टिकल्स में मिलेगा तो ऑटोमेटिकली गूगल अपने डेटाबेस से आपका आर्टिकल्स रिकमेंड कर देगा व्यूअर को जो भी नॉलेज लेना चाह रहा है इन कीवर्ड पे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी ट्रिकें होती हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये, तो बेसिकली आपको ये ट्राई करना चाहिए। ठीक है, अब मैं दूसरी ट्रिक आपको ये बताने वाला हूँ कि आप लोगों ने अपना ब्लॉग भी स्टार्ट करना है। ब्लॉग कस्टमाइजेशन बिल्कुल सिंपल रहता है, मैं थीम आपको एक एडसेंस फ्रेंडली थीम आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों ने वहाँ पे सब कुछ गाइस देखने को मिल जाएगा। सो कुछ इस तरीके का आप वहाँ से अच्छे से अपना ब्लॉग जो है वो भी कस्टमाइज कर सकते हो। सो अब आपके पास 3 प्लेटफॉर्म हो गए गाइस, पेड फॉर आर्टिकल्स एंड मिक्सरीट एंड ब्लॉग। आप इन तीनों पे अगर डेडिकेशन के साथ डेली 2 से 3 आर्टिकल्स पब्लिश करते हो तो आई एम डेफिनेटली श्योर आप 2 से 3 महीनों में अच्छी खासी रेवेन्यू वो भी पैसिव इनकम को बिल्ड करना स्टार्ट कर दोगे और ये इनकम एक ऐसी इनकम होती है जिससे बस वर्क करते जाओ एंड लाइफ टाइम तक आपकी रेवेन्यू जनरेट होती जाएगी और रेवेन्यू जो है वो बूस्ट ही होती है इंटरनेट की डिजिटल दुनिया में, वो लो नहीं होती फिर। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा आप ये चीजें अभी से स्टार्ट करें। अब दोस्तों बात करते हैं, कुछ लोग पूछ रहे थे कि हिंदी में भी आर्टिकल हम लिख सकते हैं या नहीं। जी हाँ गाइस, बिल्कुल आप हिंदी में आर्टिकल्स लिख सकते हो बट वहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, हिंदी में अगर हम आर्टिकल लिखते हैं तो वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं पैराग्राफ में आपको गूगल के सजेस्ट किए हुए कीवर्डों को यूज़ करना है जिससे आपके जो हिंदी वाला आर्टिकल वो और रैंक हो, क्योंकि हिंदी वाले जो आर्टिकल होते हैं वो तभी रैंक होते हैं जब उनमें कुछ इंग्लिश के कीवर्ड भी इंक्लूड हो। अदरवाइज अगर आप प्योर हिंदी यूज़ करोगे तो काफी कम चांसेस रहते हैं आर्टिकल्स को रैंक कराने में। सो ये थे कुछ गाइस बेसिक से टिप, आई होप आप लोगों ने ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी और दोस्तों अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो प्लीज यार मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपका आपके पास भी किसी तरह की कोई वेबसाइट है जिसका रिव्यू मुझे करना चाहिए सो गाइस प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट करें। मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक गाइस जय हिंद एंड बाय बाय। और हाँ दोस्तों खुश रहो और खुशियां बांटते रहो।